तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं, चेकआउट करो। रात में भाई कितना जल्दी प्लान बनाया, कितना जल्दी नहीं, हम निकल चुके हैं। एंड अभी बहुत सारी प्लानिंग अभी नहीं हुई थी, बट कोई नहीं, सारा सेटअप रेडी है एंड चलो चलते हैं। तो यहाँ से अभिषेक भैया गाड़ी चलाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए चला जाए, आपको आगे आपको व्यू दिखाएंगे एंड वीडियो अपलोड होती रहेगी आप सभी को। रैंडम प्लान बना और मुझे तो बहुत मज़ा आया। चलो भैया के साथ निकलते हैं नैनीताल, और ये प्लान ना भाई बहुत ही मज़ा आएगा। जितने भी गोरखपुर ब्लॉगर हैं वो देख के पागल हो जाएंगे कि कैसे हम लोग का राइड का प्लान बनता है, जो बहुत ही गजब प्लान बनता है। फिलहाल गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं फिलअप पे एंड फिलअप कराते हैं। फिलअप करा गोरखपुर से, चेक हो गाइस। चलो अभी हम लोग का प्लान है तो वहाँ से काफ़ी टाइम लगेगा जाने में, एंड कभी तक अभी पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, हम लोग गारंटी नहीं है, बट अभी फिलअप करा रहे हैं और ठीक अभी के बज रहे हैं, ये चेक करो। रैंडम प्लान बना, 11 बज रहे हैं और ये भैया लोग मिल गए हैं कुछ पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पर चेकआउट करो गाइस। ये फिलअप कर रहे हैं, ये लगभग 11:30 से फुल हो गया। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, एक मिनट पेट्रोल पंप पे है अभी तक। अरे भाई पूरा टंकी तक फुल कर दिए, 1100 का ही डालिएगा, फुल हो जाएगा उतने में, ठीक है। तो अभी मैं हाईवे पे हूँ और काफ़ी अजीब सा लग रहा है, बिकॉज़ अभी हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं एंड अभी 12-11 बज रहे हैं और ट्रकें वगैरह देख रहे चल रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग देखो हाईवे निकल चुके हैं, लगभग 12 बज रहे होंगे और अभी हम लोग रैंडम नैनीताल निकल गए। भैया बोले चलो, तो मैंने कहा अच्छा चलो, तो निकल गए नैनीताल एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आपको आज पूरी वीडियो में दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं और कैसे नहीं, आज हम कहीं भी कट पेट नहीं करेंगे, जो होगा आपको मैं डिटेल में बताऊंगा एंड काफ़ी मज़ा आएगा आप सभी को। तो आप लोग एंड तक देखना एंड काफ़ी मज़ा आएगा, मिलते हैं आपको आगे, आप लोग बस बने रहना। तो बस्ती में हम लोग चाय पीने के रुके हैं एंड बस्ती में थोड़ी देर बाद निकल चुके हैं। काफ़ी टाइम अभी मेरा ब्रेकिंग हेलमेट मेरा गिर गया अचानक से, और ये देखो टूट गया लगभग, शायद टूट गया है शायद, हाँ टूट ही गया लगभग। तो थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे, अभी हम लोग जस्ट बस्ती में हैं, अभी टोल पे हैं, थोड़ा टाइम में हम लोग पहुँच जाएंगे और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी तो इतना लेट हो गया ना, क्या बताएं, नींद भी आ रहा है, अगर थोड़ा सा नींद लगेगा तो हम लोग कहीं रुकेंगे। बस्ती टोल पे है, देखते हैं क्या होता है। देखो टोल पे तो है जस्ट, अभी यहाँ के लोकल लड़के बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हैं, बट कोई नहीं, जलवा अपना। तो ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अयोध्या। तो अयोध्या में भाई कितना प्यारा व्यू, आप देखो अयोध्या आते ही अलग ही खूबसूरत और अलग ही प्यारा लाइट मिल रहा है यहाँ पे, सोचो इतना अंधेरे में भी इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रक लगातार चले रहे हैं। तो ये देखो अयोध्या के हम लोग स्टार्टिंग पे ही हैं और अभी हम लोग सोच रहे हैं कहाँ स्टे करें, अभी आँख हमारा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। अयोध्या में चाय पी जा रहा है एंड अयोध्या तक हम लोग आ चुके हैं, और पता नहीं क्यों मेरा आँख दर्द हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, गाड़ी जाए चलो नहीं हो रहा है। एंड ये चेक करो, ये गर्मा गर्म चाय जो अयोध्या में पी रहे हैं, तो ये हमारा अयोध्या। देखो भाई हम लोग अयोध्या रुक चुके हैं एंड हमारा सारा सिस्टम हो चुका है, तो ये हम लोग पैक कर देते हैं अपनी हेलमेट वगैरह, मैंने हेलमेट लगा दिया भाई, सो चुके हैं देख रहे ना, जल्दी नींद आ गई है, ठीक है कोई बात नहीं, सोते हैं हम भी थोड़ा। ये काफ़ी मज़ा आ रहा कैंप के अंदर हम लोग, और हमारी गाड़ी बाहर है तो देख सकते हैं ये, क्योंकि मैंने एक फाटक खोल दिया कि हमारी गाड़ी कुछ ना हो, और ये इनको भी नींद आ गई है और सब सोते हैं, मैं मॉर्निंग में आपको मिलते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा, तब तक मैं वीडियो वगैरह एडिट कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम लोग उठ चुके हैं और अभी सोचेंगे क्या करना है, बट अभी देखिए हो चुकी है मॉर्निंग और ये हमारी गाड़ी खड़ी है बाहर। हम लोग सोचे थे 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे, इतना अच्छी नींद आ गई कि हम लोग 10-6 सो गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा इसमें सो के, पता ही नहीं चला, एडजस्ट हो गए थे हम लोग।
तो वेल यहाँ पे आ चुके हैं, हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है मॉर्निंग के राइड में। एंड अभी मैं निकल चुका हूँ नैनीताल के लिए और चाय वगैरह पी रहे हैं, तो हम भी चाय पी के निकलेंगे। एंड काफ़ी लेट हो चुके हैं तो हम लोग ये रास्ता से जाएंगे, तो रास्ता के बारे में यही बताएंगे क्योंकि मैं तो अभी बाइक से नहीं गया हूँ। तो चलो वेल गाइस, तो अभी हम अयोध्या के जस्ट पुल पे हैं एंड मैपिंग लगा रहे हैं, मैप लगा के निकलेंगे। तो मैप जैसे लग जाता है वैसे मैं निकल जाता हूँ क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी है, रास्ता तो पता है बट एक बार कंफर्मेशन के लिए जरूर लगाना ज़रूरी है। तो जस्ट अभी हम लोग अयोध्या के पुल के नीचे ही हैं इस वाले, एंड ये चेकआउट करो आगे लिए। तो वेलकम बैक टू माई अगेन चैनल गाइस, तो अभी हम लोग बरेली के लिए निकल चुके हैं और भूख लग गई है मॉर्निंग के टाइम में, तो अभी हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है चाय पीने के बाद, मुझे तो भूख लगता नहीं वैसे। तो अभी हम लोग आज जल्दी में इसलिए हम लोग कुछ बना नहीं रहे क्योंकि सारा सामान अभी लिए है। हाँ देखेंगे रास्ते में मैगी वगैरह बनाएंगे, अदरवाइज पास्ता, सारा सेटअप के लिए है, देखेंगे आगे देखेंगे। और अभी हम लोग बरेली के लिए यहाँ से देखो निकल चुके हैं, चलो पूरी सब्जी खाते हैं यार मजा आएगा। पूरी सब्जी खाई है मस्त, रास्ता बोल गया तो भाई ने अपना रास्ता बताया कि हमें जाना, तो वो हाई कर दो फिर मिलते हैं वो वीडियो में, ठीक है। तो भाई एक साथ बहुत सारी बेकार एक न्यूज़ पता चली है, जस्ट फ़ोन अभी आया हम लोग को और हम लोग अभी लगभग 40 किलोमीटर बचे लखनऊ के लिए, और फ़ोन आया कि भाई नैनीताल में बाढ़ आया है और रास्ते वगैरह में कुछ गड़बड़ आ गए हैं और रास्ता ठीक नहीं है, तो इसके लिए हम लोग का प्लान पूरा ख़राब हो गया। मन तो था कहीं और जाने का बट पता नहीं क्यों नहीं मन ही कर रहा है कहीं जाने का यार, पूरा मूड ऑफ हो गया, पूरी तैयारी से निकल चुके थे हम लोग, देख रहे हैं सारा कपड़ा था भाई अंदर अंदर, वो क्या क्या पहनना था वहाँ पर मज़ा आ गया था, पूरा मूड ऑफ हो गया। कब तक आता है वो रिटर्न हो रहे थे तो सर भी मिल गए और यहाँ पे हैं, तो हम लोग चाय पियेंगे एंड चाय पीने के बाद निकलेंगे और हम लोग साथ में ही निकलेंगे शायद गोरखपुर से बस्ती निकल बलिया निकल जाएंगे एंड बलिया के बाद हम लोग गोरखपुर निकल जाएंगे। एंड सी अभी हाईवे भी हम लोग जस्ट हाईवे के बगल में चाय पी रहे हैं, निकलते हैं हम लोग, सभी लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं तो अभी हम लोग साथ में निकलेंगे एंड इनकी बाइक की तो जो एसेसरीज चाहिए हो एंड एसेसरीज भी ले लेंगे एंड चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं। मेरा तबीयत हो रहा है ख़राब बिकॉज मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, अब सर दर्द हो रहा है। तो यहाँ से सभी लोग धीरे निकल रहे हैं, चेकआउट करो गाइस, अभी लोग गोरखपुर जा रहे हैं, पूरा प्लान चौपट हो गया है, मतलब ये राइड ना मेरा सबसे ख़राब है राइड था बट कोई नहीं अच्छी बात है। अरे हमारे साथ बुलेट वाले भी हैं क्या गाइस, हमारे सब्सक्राइबर भी यहाँ पर आ गए, मुझे नहीं पता था हमारे, तो चलो चलते हैं मज़ा आएगा। तो गाइज हमारे एंड गए थे गाड़ी से, आज गाड़ी दी कोई नहीं, यहाँ पे आरएल निकल गई और यहाँ पे बुलेट निकल रही है। गाइज हम लोग यहाँ से निकलते हैं और ये भाई लोग मिल गए थे अपने और उधर भी कुछ बैठे हैं लोग, चलते हैं तो फिलहाल मिलेंगे आपसे बहुत अच्छे से। अभी हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर और ब्लॉग को करते एंड, काफ़ी मज़ा आया, बहुत बेकार भी लगा एंड प्लान कैंसिल नहीं था बट क्या करें यार, नेचुरल इशू है उधर और कोई मतलब नहीं जाने का, क्योंकि पहाड़ भी इधर गिर रहा है, वाटर फ्लो भी हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग दिवाली तक जाएंगे लगभग, तो काफ़ी मज़ा आएगा, तो बेकार तो बहुत ज़्यादा लग रहा है यार क्या बताएगा। चलो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा मेरा आँख वक्त पूरा सूज गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाइक चलाया हूँ।